हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षार्थी हैं जिन्होंने वीडियो एग्ज़ाम 2018 में परीक्षा दी थी या जिनका छूट गया था, ओवरऑल बात करें तो जिन्होंने वीडियो भर्ती 2018 में आवेदन किया था उनके लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी को बताएं कि वीडियो का एग्ज़ाम रद्द किया जा चुका है, वीडियो की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। जी हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं जिन्होंने दिया है एग्ज़ाम और अचानक से उनको ये वीडियो दिखती है, खबर दिखती है, तो वो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि क्या दोबारा वाकई में परीक्षा होगी। जी हाँ बिल्कुल, जितने भी लोगों ने आवेदन किया था, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत सारे छात्र यहाँ पर कह रहे हैं कि सर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, मतलब फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन किसी कारणवश मेरा एग्ज़ाम छूट गया था, नहीं दे पाया था वीडियो भर्ती में, तो क्या अब देख सकता हूँ? तो मैं एक बार आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूँ जितने लोगों ने 14 लाख जितने हज़ार लोगों ने आवेदन किया था, सभी लोग फिर से बैठ सकते हैं, चाहे आपने परीक्षा दी हो और चाहे आपकी छूट गई हो, सब लोग बैठ सकते हैं जितने लोगों ने आवेदन किया था। ये ध्यान रखिए, जितने लोगों ने आवेदन किया था, जिन्होंने नहीं किया था वो नहीं बैठ सकते, लेकिन जितने लोगों ने आवेदन किया था सब दोबारा परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, सब लोग तैयारी में भी जुट गए हैं। अगर आप अभी तक नहीं तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो भाई तैयारी करना शुरू कर दो, यही आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो का रीएग्ज़ाम कब होगा और पीईटी कब होगा, साथ साथ वीडियो में ट्रिपल सी को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, छात्र काफी इसको लेकर कमेंट कर रहे हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भाई तैयारी डट के शुरू कर दो। प्रीवियस पेपर जो 2018 में 22 और 23 दिसंबर को आयोजित हुई थी परीक्षा, उसके पेपर्स आप डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, देखो क्या क्या कमियां थी, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, और वीडियो क्लासेस भी दिए गए हैं, मैंने हल करवाया है पूरा 2018 का पेपर, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो तैयारी शुरू कर दो, प्रीवियस सॉल्व करके जो कमी रह गई थी उसको पूरा करो और अच्छे से डट के, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार मिल गया है, सबको नहीं मिलता है, ठीक है। और भाई आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप इस बार चूकना नहीं चाहते हैं वीडियो भर्ती में, अगर आप सफलता चाहते हैं इस बार, तो आप बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करो। बी टॉपर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया, जो मास्टर क्रैश कोर्स होने वाला है, ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के कंप्लीट सिलेबस को फॉलो करता है। इसमें सारे सब्जेक्ट दिए गए, इतना नहीं यूपी लेखपाल का भी सिलेबस कवर कर दिया गया है, इसमें ग्राम समाज वगैरह के सारे चैप्टर वाइज। कीमत की बात करें तो मात्र 99 रुपीज, जी हाँ मात्र 99 रुपए का एक क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, कीमत कम रखी गई ताकि सभी छात्र इसको खरीद सकें। कीमत कम है इसका मतलब ये नहीं कि कोई वन लाइनर की पीडीएफ फाइल है, नहीं जी, इसमें आपको सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन, अर्थ संभावित प्रश्न, सारे सब्जेक्ट और वन लाइनर क्वेश्चन, वीडियो क्लासेस भी दिए गए हैं। लिंक इस क्रैश कोर्स को खरीदने का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाइए अभी के अभी खरीदिए, मात्र 2 दिन है इसको, मात्र 99 में खरीदने का, उसके बाद इसकी कीमत 259 कर दी जाएगी। तो जिनको भी इच्छा है भाई, 99 बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, वीडियो री एग्जाम में अगर आप सफलता चाहते हैं तो इस क्रैश कोर्स को जरूर खरीदें, इसका लिंक मैंने इसी क्लास के नीचे दे दिया है। आते हैं दोस्तों खबर पर, दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से जानकारी मिल रही है वीडियो री एग्जाम को लेकर। देखिए वीडियो री एग्जाम और जो 2-3 और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, जैसे बोरिंग टेक्नीशियन, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी का एग्जाम, और पीईटी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ के आ रहे हैं कि सर क्या पीईटी रद्द हो गया, पीईटी नहीं होगा? तो इसका बारे में जब जानकारी मैंने आयोग से इकट्ठा किया तो जानकारी निकल के आ रही है कि पीईटी को अभी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी वो खुद ही विलंब हो रहा है, वो टाइम पर नहीं हो पा रहा है, जैसे कि बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, ठीक है, लोअर पीसीएस का मेंस एग्जाम नहीं हुआ अभी तक, तो ये सारे एग्जाम ही नहीं हो पाए, साथ साथ ऊपर से वीडियो इतनी बड़ी भर्ती रद्द कर दी गई, दोबारा इसकी परीक्षा आयोजित करनी है आयोग को, तो इसको लेकर दोस्तों पीटी को थोड़ा सा आयोग का कहना है कि थोड़ा सा हम इसको विलंब करेंगे इसमें, और जो एग्जाम कराने हैं सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी वीडियो री एग्जाम को, हम सबसे पहले वीडियो री एग्जाम कराएंगे, उसके बाद में जैसे हालात यूपी का सही होता है तो सबसे पहले वीडियो का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद में बोरिंग टेक्नीशियन और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, ये 3 एग्जाम क्लियर होने के बाद ही हम पीटी के लिए परीक्षा का सोचेंगे। आवेदन के बारे में पूछा गया कि पीटी का आवेदन नोटिफिकेशन तो निकाला जा सकता है, तो उनका कहना है कि नोटिफिकेशन बिल्कुल निकाला जा सकता है, अगर प्रक्रिया सारी पूरी हो गई तो नोटिफिकेशन हम भले रिलीज कर देंगे, लेकिन इसका एग्जाम जो है ये 3 एग्जाम होने के बाद ही पीटी की परीक्षा कराई जाएगी, और हो सकता है कि नोटिफिकेशन में भी थोड़ा विलंब हो जाए, क्योंकि वीडियो री एग्जाम और बोरिंग टेक्नीशियन फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो यहां पर
एजेंसी के कंपनी वगैरह टेंडर वगैरह का काम चल रहा है, इसमें थोड़ा सा सबसे ज्यादा प्राथमिकता इन चीजों को दी जा रही है, तो इसलिए पीईटी का नोटिफिकेशन भी लेट हो सकता है, लेकिन हमारा ये जो प्रस्ताव है पीईटी का ये कैंसिल नहीं होगा, पीईटी लागू होगा, जो पुरानी भर्तियां ये क्लियर हो जाए, चूंकि पीईटी जो है वो नई भर्तियों पर लागू हो रहा है, इसलिए हम पुरानी भर्तियों को विलंब नहीं कर सकते हैं, पहले पुरानी भर्तियां क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में पीईटी को नए सिरे से लागू करेंगे और जितनी भी नई विज्ञापन आएंगे उसके बाद ही हम जारी करेंगे। तो इसलिए पीईटी बहुत जरूरी है, पीईटी हम लागू करेंगे का कहना है, क्योंकि बहुत सारी पुरानी वैकेंसियां 50,000 के करीब हैं, उनको फिल करने के लिए सबसे पहले पीटी ही कराएंगे ये, लेकिन पहले पुरानी परीक्षाएं करा लेंगे, वीडियो एग्जाम सबसे पहले कराया जाएगा। अगर बात करें कब तक होगा, तो देखिए जुलाई के एंड तक पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो आपका जुलाई के एंड तक आपका वीडियो एग्जाम करा दिया जाएगा। आयोग का कहना है परीक्षार्थी जितने भी हैं सभी तैयारी शुरू कर दें, जितने भी 14 लाख कुछ ने आवेदन किया था सभी लोग एलिजिबल रहेंगे वीडियो एग्जाम में बैठने के लिए, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरी खबर आपको ये बता दूं भाई कि वीडियो में ट्रिपल सी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र नाराज हैं इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे छात्र वीडियो का जब फॉर्म आया था तो मैंने कई बार आपको बताया कि 70% छात्र ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम ट्रिपल सी उनके पास नहीं था, फॉर्म फिल कर दिया था, वीडियो का फॉर्म फिल करने के बाद में ट्रिपल सी उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और ट्रिपल सी किया, लेकिन आयोग का कहना है, आयोग का जो विज्ञापन था 2018 का उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि जितनी भी अर्हताएं हैं चाहे वो 12th पास हो चाहे वो ट्रिपल सी हो, आवेदन की अंतिम तिथि तक 18 जून शायद था आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2018, उसके पहले का हो, उसके बाद का इशू ना हो कोई भी सर्टिफिकेट, उसके बाद का कोई भी उसके बाद के डेट का सर्टिफिकेट नहीं मान किया जाएगा। तो भाई जितने लोगों ने ट्रिपल सी बाद में किया है वो तो अमान्य हो जाएगा ना, और ऐसे में 70% छात्र बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए छात्र बहुत ज़्यादा नाराज हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो केवल और केवल वही छात्र एलिजिबल हैं जिनका डॉक्यूमेंट चाहे वो 12th पास किया हो उन्होंने, चाहे उन्होंने ट्रिपल सी किया हो, उनका सर्टिफिकेट 18 जून के पहले पहले इशू हो गया हो, वही एलिजिबल हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ एक बार देखकर कि आपने ट्रिपल सी कब किया है, 18 जून 2018 से पहले का आपका है या फिर बाद का है, ये आप कमेंट में लिखिए, और आप क्या चाहते हैं कि ट्रिपल सी में भी बदलाव किया जाए, आप सभी लोगों का ट्रिपल सी मान्य किया जाए चाहे जिस तिथि का हो, या फिर ये 18 जून से पहले पहले का ही मान्य किया जाए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, छात्र बहुत सारे छात्र बाहर हो जाएंगे अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि बहुत ही दिलों जान से तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो भी 70% छात्र, में बता रहा हूँ आंकड़ा है हमारा 70% छात्र का, कि 70% छात्रों ने ट्रिपल सी वीडियो फॉर्म भरने के बाद किया है, तो ऐसे में तो बहुत सारे छात्र बाहर हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ भाई मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं कि नहीं, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि ट्रिपल सी सभी का मान्य किया जाए, तो आप लोग भाई तैयारी डट के शुरू कर दो। मैंने वीडियो 2018 में जो 22 और 23 दिसंबर को जितने भी सेट कंडक्ट हुए थे, सेट बने थे पेपर के, वो ओरिजिनल पेपर दोस्तों अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ मैंने सॉल्व भी करवाया है पेपर्स, तो आपको सारे वीडियो जो है इंपॉर्टेंट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, देख लीजिए। और भाई जो क्रैश कोर्स मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इसको खरीद लो, 99 रुपये, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, इससे महंगी महंगी बुक लेकर आने वाले हैं आप वीडियो एग्जाम के लिए मार्केट से, मुझे पता है, लेकिन आप अगर केवल और केवल छठे हुए क्वेश्चन ही पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस क्रैश कोर्स को जरूर खरीदें, इसका लिंक मैंने इसी क्लास के नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से इसको अभी अभी खरीद लें और पढ़ना शुरू कर दें। भाई कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।